हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, या फिर शायद नहीं होती। अहंकार की भी सीमा होती है, या फिर शायद नहीं होती। डेल्यूजनल होने की भी शायद सीमा होती है, या फिर नहीं होती। आपको दो वीडियोस दिखाऊंगा रवीश कुमार की, और फिर कुछ बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि राजनीति में आना बहुत अच्छी बात है, सबका हक है, बट हिपोक्रेसी करके ये सोचना कि मैं सिर्फ ईमानदार हूं, बाकी सब गोदी मीडिया है। जब तक मैं टेलीविजन पे था तो टेलीविजन देखिए, अब टेलीविजन पे जो लोग मेहनत से हजारों एंकर्स काम कर रहे हैं वो सब बिके हुए हैं, वो सब सेठ जी के गुलाम हैं, वो सब ईमानदारी से जर्नलिज्म नहीं कर सकते। और सिर्फ मुझे आइए और यूट्यूब पे देखिए, जो ऐसा कहे उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ ऐसी बातें आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप पहली बार ही चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे जुड़ रहे हैं तो वहां पे भी आप फॉलो कर लीजिए। राजनीति में आने की बातों पे क्या हो रहा है रवीश कुमार की, वो भी डिस्कस कर लूंगा आपसे, पर पहले हिपोक्रेसी डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जब से उनकी नौकरी गई है या उन्होंने नौकरी छोड़ी है, तब से वो बार बार अलग अलग चैनल्स पे जाके कुछ बातें कर रहे हैं, उसमें से कुछ उनके राजनीति से जुड़ने से लेके है, कुछ अडानी से लेके है, कुछ एनडीटीवी प्रणॉय रॉय से लेके है, और मोदी सरकार के बारे में बिना बात किए या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बिना बात किए तो उनको मजा ही नहीं आता। पर ये सब चीजें बाद में आती हैं, पहले आपको मैं बताता हूं जो अपने आप को न्यूट्रल बाकी सबको बायस करते हैं, वो क्राइम कैसे कवर करते हैं। अगर क्राइम किया जाए, एक आरोपी किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। पर ये वीडियो जहां पे किस आरोपी के धर्म को वो किस तरह हाईलाइट करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी वीडियो है। दूसरी वीडियो ज्यादा जरूरी है, वो राजनीतिक है, ये सिर्फ एक मंशा दिखाने वाली वीडियो है और जरूरी वीडियो है उस तरह से। तो अभी देखिए, फिर आऊंगा उनकी मेन बातों के ऊपर। आफताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता, बहुत सारे आफताब अमीन पूनावाला बाप भाई दोस्त प्रेमी पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए, इसे धर्म के एंगल से मत देखिए, बहुत अच्छी बात है। कोई ये बात हर क्रिमिनल के लिए करनी चाहिए कि क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, उसको धर्म से मत देखिए, उसको जाति से मत देखिए, उसको इन सब नैरो पैरोकियल कंसिडरेशन से मत देखिए। पर उस समय तो बहुत अच्छा था, और ये सोशल मीडिया से मैंने निकाला, लोग कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। आरोपी संजीव रवि लवकुश और राजकुमार चार लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला, ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही माँ मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के बाद जो आगे की कैटेगरी है जाति भी हाईलाइट कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ धर्म तो बहुत बड़ा हो गया, धर्म के बाद जातियां आई, तो ये जाति भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ धर्म नहीं। ये अब हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है, पर आगे पूरा सुन लीजिए। लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, ये जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष, अब देखिए, क्या जाति के कारण उनको ये अहंकार मिला? तो नॉट ओनली आप जाति की बात करते हैं, आप जाति को एक कारण, एक ब्लेम, एक रीजन, एक अहंकार का वो भी देते हैं। अब में ये हिम्मत हुई कभी बोलने की कि किसी और के लिए बोले, क्या इस कारण से, क्या धर्म के कारण से, और फिर धर्मों का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि ये किया या इसलिए अहंकार आया, और बोलना चाहिए भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, हिपोक्रेसी क्यों है भाई, क्यों है? पढ़िए, छोड़ दीजिए, अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि जरूरी है देश के लिए। इसलिए जरूरी है, क्या देश में जर्नलिज्म है, क्या देश में
आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्या देश में आप मोदी सरकार को बोल सकते हैं कि वो काम ढंग से नहीं कर रही, जिन विषयों पे नहीं कर रही, और जिन पे कर रही है आप बोल सकते हैं कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो सच्ची में खतरे की बात है, डेमोक्रेसी डेंजर में है। पर क्या ऐसा है, वास्तु स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, सोशल मीडिया पे सिर्फ मोदी टाइप कीजिए, ऐसी ऐसे क्रिटिसिजम्स मिलेंगे, वो तो ओके है, क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ के घटिया भाषा में, शेमलेस लैंग्वेज में इतनी फिल्दी चीजें मिलेंगी कि वो कोई अंत ही नहीं, अंत ही नहीं है। तो कहां से, किसकी रिस्ट्रिक्शन है, पर इनकी जब नौकरी छोड़ी गई तो अनजान लेवल, बार बार इंटरव्यूज पे गए, अजीत अंजुम एक यूट्यूब चैनल है उस पे गए, करण थापर द वायर आपको पता है उस पे गए, बीबीसी पे गए, बीबीसी आजकल और भी चर्चा में है, 2002 को दोबारा पुनर्जीवित करने के चक्रों में है, मोदी सरकार को ब्लेम करने के चक्रों में है, उनको वहां पे ऋषि सोनक प्राइम मिनिस्टर ने ही बोल दिया, ऐसा नहीं है, पर इसके दो एंगल है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार तो टारगेट ही नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी का वोटर उनको वोट कर रहा है टारगेट ही नहीं था, टारगेट असल में ऋषि सोनक था, क्योंकि वो बहुत ओपनली हिंदू है, तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे कि वहां की वोटिंग पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जिनको भारत या हिंदू से इश्यूज हैं, तो ऋषि सोनक को वो एक कटघरे में खड़ा कर रहे थे ताकि वो वोटर उनसे बिछड़े। गेम असल में यूके की थी, टारगेट मोदी सरकार को यूज किया गया कि ऋषि सोनक सपोर्ट करे तो जो वो लॉबी चाहते हैं वो एंटी उनके वोट करे। खैर उन्होंने तो जो उनको उचित लगा उन्होंने बोला, पर पॉलिटिकल गेम्स मल्टीपल लेवल पे खेली जाती हैं, सिर्फ मोदी को टारगेट नहीं है। और मुझे ऋषि सोनक से कोई एफिनिटी नहीं है, यूके वही करेगा जो वो करेगा, बट मैं आपको सिर्फ गेम समझा रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री अपने देश के हित में करेंगे, पर वो हिंदू है और ओपनली हिंदू है, ये बात में कोई डाउट नहीं है। एनीवेज अब आ जाते हैं आगे, तो इन सब पे गए। अब इंटरेस्टिंग बात है कि रवीश कुमार बहुत बार ही कहते हैं कि अरे बीजेपी वाले मेरे चैनल पे नहीं आते, मुझे बॉयकॉट करते थे, मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपने रिजाइन किया, आप सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं जो प्लेटफॉर्म्स आपसे एक भी कठिन सवाल नहीं पूछेंगे, वो प्लेटफॉर्म्स जो आपकी बक, और मैं बक ही कहता हूं कि अडानी ने हजारों करोड़ की, अडानी ने हजारों करोड़ खर्च दिए मेरी आवाज रोकने के लिए, इससे बड़ी बक नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपकी आवाज की क्या वैल्यू है राजनीति में, क्या 2002 में आप मोदी के खिलाफ बोलते रहे सीएम, 7 में बोलते रहे सीएम, 12 में बोलते रहे सीएम, चलो सीएम तो काफी था, उसके बाद प्रमोट होके पीएम 14 में, 19 में पीएम, तो भाई जो कौन सा सेठ, एक फ्लॉप जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जिसकी बात को एक टाइनी लॉबी छोड़ के, और हमारे देश की संख्या इतनी है कि टाइनी लॉबी भी बहुत बड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ की भी हो सकती है, पर चुनाव में तो वोट होता है, 51% किस तरफ है, डेमोक्रेसी का बेसिक क्या है, यही है ना। तो आप 2002 फ्लॉप, 7 फ्लॉप, 12 फ्लॉप, 14 फ्लॉप, 19 फ्लॉप, 5 बारी फ्लॉप को ओवर 20 इयर्स, जिसका एजेंडा हो मोदी सरकार को हराना, उसके लिए कौन सा सेठ उसकी आवाज रोकने के लिए बंद करेगा भाई। इतना घाटे का सौदा करते तो अदानी एक छोटी सी जगह में छोटे से व्यापारी होते, वो एज अ बिजनेस बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, उनको बिजनेस तो करना आता ही है, क्या आप 5 बारी फ्लॉप चीज में पैसा लगाएंगे, अडानी क्यों लगाएगा, सिंपल सा। पर दूसरी बात देखिए, अहंकार, वो बोलते हैं चैनल तो प्रणॉय रॉय का था बट लोग उसको मेरा चैनल समझते थे, ये बहुत कॉमन चीज होती है, आप किसी संस्था में काम करें और सोचने बैठ जाते हैं मेरा, भाई अगर आपका होता, मैं खुद प्रणॉय रॉय की तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, प्रणॉय रॉय इस डील में बहुत पैसे कमा रहे हैं, कहा जा रहा है 400 से 600 से 800 के, इस ब्रांड में बोल रहे हैं 400 से 800 करोड़ के करीब कमा रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं मिला, चैनल आपका होता तो आपको भी 100-200 करोड़ तो मिल जाता, 300 करोड़ मिल जाता।
भैया चैनल तो उसका ही, ये तो वो हो गया कि भैया ताजमहल के सामने से चले, अरे ताजमहल तो मेरा है ना, इंडिया गेट के सामने से चले, इंडिया गेट तो मेरा है, वो भी है बहुत, लाल किला तो हमारा है, वो वाले भी है ना। तो भैया वो मानसिकता का कोई जवाब नहीं है, पर आंकड़े और फैक्ट्स और फिगर सब सच बोल देता है, और कोई सवाल भी नहीं पूछता इस पे कि इतनी बारी आप फ्लॉप हैं तो भैया क्यों अडानी आपको खरीदेगा। उसके बाद प्रणॉय रॉय ने तो इस पे जवाब भी दिया था कि भैया अडानी ने हमसे इनपुट लिया, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर मेरा एक सवाल है, NDTV में जो अब सब काम कर रहे हैं रवीश कुमार, तो उनको क्या बोल रहे हैं? ये सोचिए, जिस जिसने नौकरी नहीं छोड़ी, इसका मतलब रवीश कुमार उनको एजेंट मान रहे हैं अडानी का, कि वो छोड़े नहीं, जो कल तक इनके साथी थे, जो कल तक इनके सहयोगी थे, वो क्या आज एजेंट हैं? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। इस पे आप ही जवाब दीजिए। और खुद छोड़ के कहां पहुंचे, ये बहुत फेमसली कहते थे कि जो लोग ना बहुत ज्यादा राजनीति में घुसते हैं, राजनेताओं के करीब रहते हैं, वो पत्रकारिता कैसे करेंगे ईमानदारी से। ये जो आपको दिख रहे हैं सज्जन, मेरे ख्याल से सफेद दाढ़ी में, सफेद शर्ट में, मेरे ख्याल से ये राजनीतिक ही व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से तो हैं। आपके ख्याल में क्या है बता दीजिएगा। पर मेरी पसंद का नेता हो तो अलग गेम है, और मेरी पसंद का नहीं हो, वोटर की पसंद का हो तो अलग गेम है। करिए, कुछ गलत नहीं है, पर जब आप दूसरों को लेक्चर देते हैं, कम से कम वो तो आपको समझना चाहिए। और मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, इनके तो समझेंगे नहीं, आप तो समझिए कि जो पूरा एजेंडा होता है वो BBC का कहां से चलता है, मल्टीपल लेवल चलता है, जो मैंने बताया, जो ये द वायर है उसका कैसे चलता है। मुझे यूपी चुनावों में हंसी आती थी भाई, यूट्यूब पे आज भी जाके देखिए, मैंने एक व्यू देखा जिसके पता नहीं 8-10 लाख व्यूज थे उस प्रोग्राम के, जिसकी हेडिंग क्या थी, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सीट में फंस गए। पूरा यूपी प्रदेश नहीं, क्या वो अपनी सीट हार रहे हैं MLA की, पता नहीं कितने लाख वोट से जीते और पूरा प्रदेश जीते, और फिर भी अपने आप को बड़ी असेसमेंट वाले न्यूट्रल मांगते हैं। ठीक है, आप बोलिए कि मैं सपनों, लोगों को सपने बेचना चाहता हूं, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर है, बिल्कुल है, लोगों को सपने बेचना, राजनीतिक सपने बेचना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर है। पर अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स तो मत बोलिए, प्लीज प्लीज मत बोलिए। मैंने यही बैठ के आपको कहा था कि योगी सरकार जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है, बहुत कंफर्टेबल जीत रही है, 250 से ऊपर ला रही है, कहा था ईमानदार। और जहां पे हारेगी वहां पे भी बोलूंगा हार रही है, हम सच्चाई की तरफ तो जाए, पर फिर एजेंडा नहीं चलता, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके भी आगे चलते हैं पॉलिटिक्स को लेके, अये अये क्या मुंह में ला रहे आ रही है, और किस तरह डिनाई बट वॉन्ट, इसको हम बोलते हैं कोई तो मुझे नेता बना दो, कोई तो मुझे नेता बना दो। क्योंकि BBC में जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि रवीश आपको कोई ऑफर्स मिली हैं टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, उनसे पूछा गया, आप अपनी यू हैव बीन रेजिंग योर, मतलब मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, आप यू हैव बीन रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हैज एनी पॉलिटिकल पार्टी एवर अप्रोच्ड यू टू ज्वाइन पॉलिटिक्स? नेता है बनना चाहिए, मैं तो चाहूंगा चुनाव लड़े, इससे अच्छी चीज डेमोक्रेसी के लिए कोई नहीं है, चुनाव लड़े, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। इतने बड़े नेता बनिए कि आपके नाम पे 273 और MPs जीत जाए, आप सरकारी ना लीजिए, प्रदेश में लड़िए, बिहार में लड़िए, यूपी में लड़िए, कि आपके नाम पे आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग MLA को भी जिता दें, बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। तो पूछा सवाल, जवाब क्या दिया, नहीं नहीं ये कभी नहीं हुआ, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स कीप टेलिंग मी आई शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स, अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू सी मी इन पॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं अभी तक भाई कोई ढंग की ऑफर नहीं है। नहीं, मेरा मन तो नहीं है, पर मेरे दोस्त कहते हैं पॉलिटिक्स में जाएं, और बहुत लोग, मतलब जनता कहती है पॉलिटिक्स में जाएं, और फिर इमेजिन कीजिए पॉलिटिक्स में होना,
लोकसभा में स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, हिम कौन? प्रधानमंत्री मोदी. नो वन कैन बाय लोकसभा और सम सेठ विल कम एंड बाय इट. अगर मैं हार गया तो सेठ ने हरा दिया, जीत गया तो देखो मैं तो कहता ही था भाई ये सब देखते हैं लोग. लड़ लीजिए चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, हिपोक्रेसी की हिपोक्रेसी निकल जाएगी. और मैं क्यों हिपोक्रेसी करता हूं, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार में 5% जीडीपी हो तो आपके शब्द क्या होते हैं इकोनॉमी को लेके, और जब 2019 में बीजेपी की सरकार में इकोनॉमी हो तो क्या हो. देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, 2013 की है पहली. हम रोंदू तो नहीं हो रहे अगर इकोनॉमी 5% पे है. आपने सही सुना, अगर जनता कह रही है 5% पे इकोनॉमी स्लो है 2013 में, तो ये उनको रोंदू कहते थे. रोंदू तो रोने, मैं नहीं कह रहा, इनके शब्द सुनिए. कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है. दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं. भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, इसे छिपाने की तमाम कोशिश. भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, इसको छुपाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं. क्यों? सरकार बदल गई. उस सरकार में आप बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, तो आप रोंदू हो, जरूरत से ज्यादा दुखी हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो. बीजेपी सरकार में उससे बेटर इकोनॉमी भी हो तो भी सरकार छुपा रही है. कहाँ छुपा रही है भाई, हर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश करता है, इंटरनेशनल डाटा कहता है आप 5th largest इकोनॉमी बन गए. भारत का डाटा तो नहीं कहता, इंटरनेशनल डाटा कहता है. इंटरनेशनल फोरम्स पे लोग कह रहे हैं आप नंबर 3 या नंबर 2 हो जाओगे अगले 5 से 7 साल में. इंटरनेशनल कह रहे हैं, कौन छुपा रहा है? पर चलो इनकी बात, वैसे तो वक्त है पर सुन लो पूरी. के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया. 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है. मानो जी मानो 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 जी मानो, इससे कम पे आप रोंदू हैं, दुखी हैं, अच्छी में तो आप सरकार छुपा रही है. आज इंटरनेट सोशल मीडिया के जमाने में सरकार क्या छुपा सकती है मुझे नहीं पता, बट ठीक है छुपा रही है. और अहंकार देखो कि कोई डाउट नहीं, एनडीटीवी अपने में ब्रांड है, बट ये चैनल मेरे से जुड़ा हुआ है. पीपल से इट्स रवीश, इस चैनल पीपल से मैं नेता बन जाऊं, पीपल कहते हैं एनडीटीवी मेरा है. अरे भाई वो पीपल को बोलो आप एक चैनल शुरू कर लो. एक उदाहरण देता हूं, अर्णब गोस्वामी को लगता था कि मेरे में दम है, मेरा चैनल है, चैनल शुरू कर दिया. इकोनॉमिक है ना, डाटा है, बता देता है, डाटा बता देता है कि लोग देख रहे हैं, एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं, इतनी व्यूअरशिप है, इतनी सैलरीज दे पा रहे हो, इतनी जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हो, इतने लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हटा रहे हो, है ना, कर दीजिए. पीपल सोचते हैं एनडीटीवी मेरा, तो भाई खड़ा कर लो एक चैनल जिसमें 100, 200, 500, 800, 1000 जितने भी लोगों को जॉब दोगे. मैं कहूंगा कुछ अच्छा किया आपने, एजेंडा जो भी चलाया, 1000 लोगों का 1000 भारतीयों का, सब्जेक्ट टू के भारत के लोगों को आप जॉब दें, 1000 भारतीयों को, किसी भी जात किसी भी धर्म के हो, आपने उनको रोजगार तो दिया. पीपल थिंक एनडीटीवी इज माइन, पीपल थिंक आई शुड बी इन पॉलिटिक्स, वो भी चुनाव लड़ लो यार. लड़ना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, और इकोसिस्टम सपोर्ट करेगा, प्रॉपर मिलके प्रोपेगेंडा चलेगा, वही इकोसिस्टम अवार्ड दे देगा, वही इकोसिस्टम आपको इनवाइट कर लेगा, वही इकोसिस्टम आपसे सवाल नहीं पूछेगा. और उसी इकोसिस्टम के हिसाब से मोदी और अदानी मुझसे डरते थे, इसलिए मुझे हटा दिया जाएगा. सही है, सही है. और इतना ही नहीं, आगे मुझे पता नहीं मेरे व्यूअर्स कैसे कोप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना सुनते थे, कैसे कर रहे हैं, गोदी मीडिया देख रहे होंगे. क्या आइटम है, क्या आइटम. और इसको आप ऑनेस्ट जर्नलिज्म कहते हैं. मैंने सिर्फ 2 वीडियोस के उदाहरण दिखाए, हिंदू मुस्लिम इशू पे, इकोनॉमिक इशू पे.
और दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। और सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि पॉलिटिकल मन भी है, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है कि मुझे नेता बन जाना चाहिए, मेरे दर्शकों का कहना है बन जाना चाहिए, पर वोटरों का कहना हो ना हो, इसलिए डर लगता है क्या आपको चुनाव लड़ने से? डर का माहौल है क्या? लड़िए चुनाव। और एनडीटीवी मेरा था, मैं तो सारी उम्र एनडीटीवी का मजाक ही उड़ाया है, जो वो गलत करते हैं वो बोला है। मैं तो उनके चैनल पे गया था एनडीटीवी पे, मेरी वो वीडियो आपने सबने देखी होगी, दिवाली को मैंने आंकड़ों से, डाटा से और कांग्रेस की रिपोर्टों से सब सपोर्ट किया था फायर क्रैकर्स को, और इंटरनेशनल स्टडीज के हिसाब से सपोर्ट किया था। उसके बाद से एनडीटीवी को पसीने आ गए, उनको लगा रहे हम तो शुरू हुआ थे 10-12 साल पहले की बात है, 10 साल पहले का है, हम तो चाहते थे कोई वो आए जिसको हम बोल पाए, अरे देखो ये तो ऐसा है, ये तो जो राइट विंग, ऐसा आई डोंट एग्री विद दैट, राइट विंग वाले हैं ये तो, अरे ये तो ट्रेडिशनल लोग हैं, अरे ये तो भारत की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, कल्चर में विश्वास रखते हैं, इनको तो कुछ अकल ही नहीं है। जब डाटा कोट किया तो बैंड बज गया, पसीने आ गए, वो वीडियो देखना। और आप एनडीटीवी तो मेरा था, फिर चैनल खड़ा कर लो ना, लोगों को 500-800 को नौकरी दे दो ना। एनीवेज, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, अगर वो चैनल शुरू करते हैं तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। बस अब इतना कहूंगा, अदानी हो या छोटे से छोटा व्यापारी हो, घाटे का सौदा कोई नहीं करता। 5 बारी जिसका एजेंडा ना चलाओ उस पर कोई 1000 करोड़ नहीं खर्चता। भारत माता की।